दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए है। अगर आप ये अतिथि शिक्षक है तो वीडियो पूरा देखिएगा। अतिथि शिक्षकों को अब महीने के फिक्स मानदेय देने संबंधी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बड़े ऐलान किए हैं उसको लागू करने के लिए अतिथि शिक्षकों की जो पेमेंट आएगी, मानदेय आएगा, वह महीने का आएगा, मासिक आएगा, फिक्स आएगा। वर्ग एक का 18,000, वर्ग दो का 14,000, वर्ग तीन को 10,000 रुपये मिलेंगे। चाहे महीने में विद्यालय जो है 15 दिन या 20 दिन ये 25 दिन कितने भी दिन लगे, लेकिन उनको फिक्स मानदेय दिया जाएगा। उस मानदेय को डायरेक्ट 1 या 2-3 तारीख को उनके खाते पर रेगुलर शिक्षकों की तरह भेजा जाएगा। इसी उपलक्ष्य में अतिथि शिक्षकों के लिए एक अपडेट है, क्योंकि अब यूनिक कोड जनरेट किए जाएंगे और उस यूनिक आईडी के माध्यम से, यूनिक कोड के माध्यम से, नॉन रेगुलर यूनिक कोड के माध्यम से उनके खाते पर डायरेक्ट पेमेंट 1, 2, 3 तारीख को हर महीने ऑटोमेटिक। फाइनली एक प्रपत्र दिखाएंगे, इस प्रपत्र के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए अतिथि शिक्षकों के नॉन रेगुलर यूनिक कोड जारी किए जाने हेतु एक प्रारूप था। इसी प्रारूप में आपको आवेदन भर के जमा करना है। इसकी तारीख जल्द ही जारी की जाएगी और जिसमें नॉन रेगुलर यूनिक कोड जनरेट किए जाएंगे और इस यूनिक कोड की माध्यम से आपकी आईडी बन जाएगी और इसी के माध्यम से आगामी जो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा पेमेंट का, आपका जो मानदेय है वो इसी यूनिक कोड के माध्यम से अब होने वाला है। ये नई व्यवस्था जल्द ही प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षकों के ऊपर यहाँ पर लागू की जाएगी। यहाँ पर देखिए इस प्रपत्र का प्रारूप, आपको क्या क्या इस फॉर्म में भरना है। यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षक का नाम है, पहले बिंदु पर यहाँ पर लिख देना है। अतिथि शिक्षक के नाम को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख देना है। फिर अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 जिसमें काम कर रहा है यहाँ पर लिख देना है। अतिथि शिक्षक की योग्यता क्या है, अगर कोई फिजिक्स का अतिथि शिक्षक वर्ग 1 है तो लिखेगा MSc फिजिक्स यहाँ पर और BEd की योग्यता दर्शाएगा। साथ ही यहाँ पर किस संस्था में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा है, जन्म तिथि क्या है, जाति संवर्ग क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, धर्म क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, ईमेल आईडी यहां पर एक्यूरेट और सटीक सही जानकारी यहां पर आपको डालना है, मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, मोबाइल नंबर यहां पर डालिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल दीजिएगा रजिस्टर्ड नंबर गेस्ट आईडी में और यहां पर लिख दीजिएगा गेस्ट फैकल्टी आईडी और एक संपर्क नंबर डाल दीजिएगा। यहां पर पता डालना है आपका, फिर यहां पर बैंक के खाते का नंबर डालना है, यहां पर बैंक का IFSC कोड डालना है, साथ ही बैंक का नाम शाखा का नाम के साथ यहां पर डालना है। परिवार के सदस्यों की जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिसमें से आप पिता का यहाँ पर दर्शाएंगे, परिवार के सदस्य का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जीवित न होने की दिशा में, माता का नाम यहाँ पर, ये यूनिक कोड इसलिए जनरेट किया जाता है, इसमें काम तरह का आपका डाटा इकट्ठा होता है ताकि आगामी समय में कोई भी अगर कहीं पर परेशानी हो तो इससे पूरा जो है आपका रिकॉर्ड जो है निकाला जा सके। साथ ही पति या पत्नी का यहाँ पर जो भी लागू होगा यहाँ पर डिटेल डाल देना है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दिनांक डालना है, स्थान जिस तारीख को जमा होगा, फिर पृथक से हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है, फोटो यहाँ पर एक लगाना है अपनी अतिथि शिक्षक की, अतिथि शिक्षक यहाँ पर अपना नाम लिख के यहाँ पर संस्था का यहाँ पर करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, ठीक। संस्था का जो प्रमुख हैं, प्राचार्य हैं, उनके द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किए जाएंगे, अतिथि शिक्षक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और शाला प्रबंधन समिति यहाँ पर देखिए प्रस्ताव दस्तावेज ये लगाना है। शाला प्रबंधन समिति का छाया प्रति है, एक से अधिक अच्छी हो तो प्रत्येक के लिए अलग अलग छाया प्रति लगाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति तो ये पहला वाला स्कूल से मिल जाएगा, आधार कार्ड आपके पास होगा, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का पैन कार्ड की लगाना है, बैंक पासबुक की छाया प्रति यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। तो ये 5 कार्ड आपको रखना है, जिसमें से एक जो पहला वाला है वो स्कूल की तरफ से मिल जाएगा और 4 आपको फोटोकॉपी के रूप में लगा देना है इस फॉर्म के साथ और इसको विद्यालय पर ही जमा कर देना है। बाकी का काम विद्यालय वाले BO ऑफिस में इसको ये संपूर में जमा कर देंगे। हालांकि ये आदेश अभी पिछले जो महीने हैं उसमें आया था लेकिन अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वह मासिक हो गया है, उनका जो है
नॉन रेगुलर यूनिक आईडी जो है तो बनेगा और उसी के माध्यम से उनका आगामी समय पेमेंट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें बिल्कुल फ्री में, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर इस तरह की लेटेस्ट और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।